हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का मैं एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एयरफोर्स ग्रुप सी के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई है, ठीक है। तो अब रेगुलर वीडियो आएंगी और बताना कि इसकी जो वीडियो है वो रेगुलर प्रैक्टिस सेट लाए जाए या फिर बेसिक से स्टार्ट की जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कानपुर एयर स्टेशन का जो पेपर हुआ था वो कैसा हुआ था, ठीक है। अभी जो कानपुर एयर स्टेशन के आई थी, ठीक है, एडमिट कार्ड जो मेरे गांव का था, उस लड़के का आया था, मैंने दिखाया था एक एडमिट कार्ड आपको, तो उसी का पेपर था। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि पेपर आया कैसा था, ठीक है, क्या लेवल था, कितने क्वेश्चन थे, नेगेटिव मार्किंग थी, कितना टाइम था, ठीक है, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या था कि 100 नंबर का पूछा गया था एमटीएस में। कितने नंबर का पूछा गया था? 100 नंबर का, जिसमें से आपका 25-25 था, 25 रीजनिंग, 25 मैथ और 25 आपका क्या हो गया इंग्लिश और 25 हो गया जनरल नॉलेज, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। और आपके अगर टाइम की बात की जाए तो 2 घंटा टाइम था, 2 घंटा टाइम था। तो जिस तरह से उसने बताया कि पेपर बहुत इजी था, उसके हिसाब से टाइम ज़्यादा था, ठीक है। और ज़्यादा की दिक्कत क्या है कि टाइम ज़्यादा होगा और क्वेश्चन ईजी आएंगे तो मेरिट हाई जाएगी, जाहिर सी बात है। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। और वहाँ पे इनको बुलाया गया था, देखो इनको बुलाया गया था कब, कि ये 7 बजे से इनकी रिपोर्टिंग टाइम थी, 7 बजे से, 7 बजे से रिपोर्टिंग टाइम के बाद इनको वेरिफिकेशन कराया गया वहाँ पे। और उसके बाद वो दे दिया उनको कमरे का नंबर, ठीक है, कि आपका इतने नंबर में है इस विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में, ठीक है, तो आप जाइए, ठीक है। इस तरह से वहाँ पे पैटर्न चला था और 9:30 बजे से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, 9:30 ऐसे कुछ बताया था, 9:30 से स्टार्ट हो गया था पेपर, ठीक है। 15-20 मिनट पहले आपको कॉपी दे देंगे ओएमआर सीट, उसको भर लेना, उसको अच्छी तरह भरना है, ठीक है, ऐसे नहीं भर लेना, अपने आप अच्छी तरह पूछ पाछ के भर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें, बस पूछना जरूर है, क्योंकि ओएमआर सीट गलत होगी तो फिर क्या है अब, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं हम पेपर की, तो पेपर कैसा आया था। तो पहले बात करेंगे हम रीजनिंग की, ठीक है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन किस तरह से आए थे, क्या लेवल था, जो हमने प्रैक्टिस सेट कराए उससे आए थे कि नहीं आए थे। तो देखो, वो जो यदि आपने 10वीं प्रैक्टिस सेट लगाया ना, 10 प्रैक्टिस सेट हमने कराए उसके, तो आपका एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, ठीक है, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन कराए और उसमें भी सभी टाइप के पूछे गए थे। ये बता रहा था थोड़ा इजी लेवल था, लेकिन पूछे सभी टाइप के गए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या था ये सुन लो, पहला क्वेश्चन ये था कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, ए और बी, ठीक है। तो ये कहता है कि दोनों व्यक्ति ये 50 मीटर चलते हैं, 50 मीटर चलते हैं, ठीक है, 50 मीटर चलने के बाद किधर भी कौन सी भी साइड में चलते हैं, या तो इधर को चला लो या फिर इधर, ये तो उत्तर साइड की ओर चला दिया, किसी भी तरफ चला लो, क्वेश्चन को पढ़ो पहले पूरा, 50 मीटर चलते हैं, ठीक है, दोनों, पहले ए चलता है फिर बी चलता है, फिर ए क्या करता है, ए भाई 40 मीटर किधर की ओर मुड़ जाता है, मान लो किसी दूसरी साइड में मुड़ जाता है अपने, ये दाएँ कि बाएँ, ये है आपका दाएँ, ठीक है, तो ए किधर मुड़ जाता है, दाएँ मुड़ जाता है, कितना 40 मीटर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। और जो बी है, बी कितना मुड़ जाता है, वहीं से जहाँ से ए मुड़ता है, वहीं से बी मुड़ जाता है, कितना 60 किलोमीटर, कितनी, किधर की साइड, अपनी बाईं साइड, सही में आ रहा है, ये किधर की साइड मुड़ा है, बाईं साइड, और ये मुड़ा है दाईं साइड, मतलब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में बोल सकते हो। तो सुनो दोबारा, ए और बी हैं कोई दो व्यक्ति, तो ए चलना प्रारंभ करता है, 50 मीटर चलता है, 50 किलोमीटर मान लो या मीटर मान लो, सबको मीटर मान लो या फिर सबको किलोमीटर मान लो, क्वेश्चन देखो कैसे था, 50 किलोमीटर चलता है ए, उसके जस्ट बाद बी 50 किलोमीटर चलता है,
फिर ए दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 40 किलोमीटर, 40 मीटर या 40 किलोमीटर, ठीक है। उसी के जस्ट बाद बी कितना, उसके बाएं मुड़ता है बी और 60 किलोमीटर चलता है। यहाँ तक तो हो गया। अब ए ए किधर को मुड़ता है, अपने बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 50 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 50 किलोमीटर। ऐसे ही जो बी है, बी अपने किधर मुड़ेगा, दाएं, ठीक है। बी दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 50 किलोमीटर। देखो ए तो कितना चला, ए किधर को मुड़ा था अपने बाएं और बी किधर मुड़ा था अपने दाएं। तब पूछा था क्वेश्चन में आंसर कि इन दोनों की जो अब दूरी है, ये वाली दूरी, ये कितनी है। तो ये दूरी तुम्हें पता है, ये दोनों बराबर हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगी ना। तो ये वाली हमें दी है, ये इधर इधर कितनी है, 40, और इधर कितनी है, 60। तो 60 और 40 100, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, ठीक है। 60 और 40 100, यही आंसर हो जाएगा। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसा था। तो दूसरा देखो कैसा था, सुनो। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या था, 1 2 3 9 4 6 7 5 8 3 1 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछा गया था कि ऐसे ऐसे नंबर बताइए, ऐसी विषम संख्या बताइए जिनके आगे विषम संख्याएं हैं, या पीछे दिया होगा क्वेश्चन में, ऐसी विषम संख्याएं बताइए जिनके पीछे विषम संख्याएं हैं। तो इसमें मुझे क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में मुझे निकालना है कि ऐसे नंबर बताइए कितने नंबर हैं जिनके आगे विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो इस तरह से था। अब इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन कराया था मैंने एक बार, जब मैराथन क्लास ली थी उसमें। तो देखो, एक क्या है, एक विषम है, लेकिन विषम के आगे कोई विषम अंक है नहीं है। दो क्या है, सम है, लेकिन सम के आगे विषम है। तो वो उसने सम नहीं पूछा, उसने पूछा है ऐसी विषम संख्या बताइए जिनके आगे विषम संख्याएं हों। तो ये है 9। 9 क्या है, विषम संख्या। और 9 के आगे क्या है, 9 के आगे 3, 3 भी क्या है, विषम संख्या। तो एक नंबर तो यहाँ से मिल गया हमें। 4 के आगे 9, 4 सम है। 6 के आगे 4, ये सम है। 7 ये भी नहीं। 5 ये क्या है, विषम है। और 7 ही विषम है। तो 5 के आगे 7, ये विषम, एक अक्षर यहाँ से मिल गया। 8 के आगे 5, ये भी नहीं। 3 के आगे ये भी नहीं। 1 के आगे 3, मतलब 3 भी विषम है, 1 भी विषम है। तो यहाँ से एक नंबर मिल गया। तो कितने नंबर हो गए ऐसे जिनके आगे विषम संख्याएं दी गई, तो ऐसे नंबर 3 हैं। तो एक सवाल तो ये था। अब इसी में देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी MTS का डाला है उसमें देखो, या फिर और भी कोई भी। इसमें देखो अब क्या पूछ सकता है आपसे, दे देगा 1 2 3 7 5 7 3 2 1 और 9 4 7, ठीक है। इस तरह से वो नंबर दे देगा। और क्या पूछेगा, वो पूछ सकता है ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जिनसे आगे तो सम संख्या है, ऐसे कितने नंबर हैं, समो या विषमो, जिनसे आगे तो सम संख्या है और जिनके पीछे क्या है, विषम संख्या। वो इस तरह से क्वेश्चन को अब पूछ सकता है। तो सही में आया। तो देखो, एक से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसके आगे तो कुछ है नहीं। दो के आगे क्या है, विषम संख्या। दो के आगे क्या है, विषम संख्या, ठीक है। तो ठीक है, क्या पूछा था, ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके आगे सम और जिनके बाद में विषम। तो देखो, दो के आगे विषम है, लेकिन पूछ क्या रहा है, सम, तो ये तो होगा नहीं। 3, 3 के आगे सम है और 3 के आगे विषम है, यही तो पूछा था। ऐसा कौन सा नंबर है, कितने नंबर हैं जिनके आगे तो सम हो और उनके पीछे क्या हो, विषम हो। तो एक तो ये हो गया 3, ठीक है। तो एक नंबर यहाँ से मिल गया हमें कि इसके आगे तो सम है, इसके पीछे विषम है। ऐसे ही 7, 7 के आगे ये विषम है, ठीक है, यहाँ भी पीछे ही विषम है, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम एक के आगे देखें, तो एक के आगे देखो ये सम है और ये पीछे विषम है, तो एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा।
इसी तरह और कोई नहीं है, सिर्फ यही नंबर है। तो कितने नंबर हैं? तो दो नंबर हैं। कितने नंबर हैं? दो। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं। अब सम विषम की जगह घुमा सकता है, विषम आगे कर दे, सम पीछे कर दे, इसमें कुछ है नहीं, बस गिनना है। हाँ, नंबर में और दे सकते, उसमें और दे सकता है, ए बी सी डी में। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन इस टाइप से था। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये तीन नंबर दे दिए उसने, 3, 5, 7, ठीक है, 4, 2, 3 और 3, 1, 7, ठीक है, और एक और दूँ तो 9, 8, 8। अब उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ। उसने पूछा है कि तीसरे वाले को पहले वाले पहुँचा दिया जाए, पहले वाले को तीसरे वाले पहुँचा दिया जाए। उसने कहा है कि जो लास्ट है, इस लास्ट वाले को फर्स्ट पर कर दिया जाए, यहाँ पर 7, और बीच का यूं ही, और जो फर्स्ट में है उसको लास्ट में पहुँचा दिया जाए। तब पूछा है कि इन चारों में से कौन सी संख्या बड़ी होगी, समझ रहे हो? तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, अब इसको कैसे करना है। ये 7 आगे आएगा तो 753, ठीक है, ये 3 आएगा तो 300 कुछ बनेगा, ठीक है, ये 7 आएगा तो 700 कुछ बनेगा, ठीक है, लेकिन ये 800 आएगा तो डायरेक्ट तुम्हें पता पड़ रही है 800 कुछ, तो 800 इन सबसे ज़्यादा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। वैसे भी कर सकते हो 889, ठीक है, 889, तो ये कितना हो गया, 889, जो कि इन सबसे ज़्यादा है। कैसे, इनको जब पलटेंगे तब भी। तो ये क्लियर हुआ। अब और कुछ भी पूछ सकता है इसमें ऐसे ही, ठीक है, घुमा के तो कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस टाइप के तीन क्वेश्चन थे, तो वो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन थे। एक कैसे था कि ऐसे ही नंबर दे दिए थे, मान लो 3, 4, 5 और 7, 2, 9 और 4, 3, 2, 5, 6 नंबर थे ऐसे ही, ठीक है। उन्होंने पूछा था इन सब का योग कीजिए और बताइए किसका योग सबसे ज़्यादा है। तो 4 और 3 7, 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 11, 7 और 5 12, ठीक है, तो इसका योग कितना हो गया, 12, 7 और 2 9, 9 9 18, ठीक है, और ये 4 और 3 7 और 2 9, तो किसका योग सबसे ज़्यादा है, इस वाले का, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और था, उसमें क्या पूछा था, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसा ही पूछा था, तो इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे और भी कई सारे क्वेश्चन थे, एक कोड एंड कोडिंग का था, तो कोड एंड कोडिंग में क्या पूछा था, जैसे कोई नंबर दे दिया, मान लो CDEF, ठीक है, टी, और ये दे दिया आपका इधर SSQRT, तो इसको किस तरह कोड किया गया था, इसको कोड किया गया था ऐसे, ये यहाँ पहुँचा दिया, ये यहाँ और ये यहाँ, ये टी ऐसा का ऐसा ही, ये लास्ट वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे, इस तरह से कोड किया था, जैसे FEDC और ये हो गया टी, और ये यहाँ पे टी आ गया, ये लास्ट वाला, और फिर R आ गया, फिर Q आ गया, फिर S आ गया। जब इसको इस तरह से कोड किया जाए, ठीक है, कोडबद्ध किया जाए, तो उसने एक कोड दिया था, उसका आंसर बताना था। तो उसका आंसर कैसे करेंगे, देखो, इसने कोड दे दिया, अब उसने पूछा था, मान लो ACDFY और XZBC, तो पूछा था इसका कोड बताइए, तो इसमें क्या था, वाई था, एफ को यहाँ पे रख दो, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, ए यहाँ पे, वाई ऐसा का ऐसा ही, और ये लास्ट वाला फर्स्ट, और ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन था। और भी कई सारे क्वेश्चन थे, एक सीरीज का भी क्वेश्चन था, और देखो एक कोडिंग का ऐसा था कि ये लिख दिया ए, ए को किस तरह से किया है, तो ए का दोगुना कर दो, 2 और 2 = 2, इसमें 1 ऐड कर दो, तो कितना बना, 3, तो उसने ए को लिखा 3, बी को लिखा 5 और आई को लिखा 19,
और आपका टी को लिखा 21, 41, कितना लिखा 41, ठीक है। तो इसमें उसने क्या किया था, इसमें इसने उसका दोगुना करके एक जोड़ दिया था, क्या किया था, दोगुना करके एक जोड़ दिया था। इसी तरह पूछ रहा था कि भाई इसका आंसर बताओ, तो मान लो कोई दे दिया था नंबर, उसका आंसर पूछा था, जैसे बी सी डी और एफ, इसका आंसर पूछा था, तो क्या करेंगे हम, बी का दोगुना कर देंगे, दो दूनी चार, चार और एक पाँच, एक ऐड कर देंगे, तीन दूनी छः और एक सात, इस तरह से चार दूनी आठ और एक नौ, एफ कितने पर आता है छः पर, छः दूनी बारह और एक तेरह, तो इसको इस तरह से कूटबद्ध किया जाएगा, यही आंसर हो गया, ये इस तरह से था। और सीरीज के क्वेश्चन दे, सीरीज का क्वेश्चन क्या था आपका, कि इसमें सीरीज में क्वेश्चन था आपका कुछ उसका था, जैसे क्यूब करके जोड़ घटा, ठीक है, तो पूछ के बताता हूँ, ठीक है। और भी कई सारे क्वेश्चन थे, उनको प्रॉपर पीडीएफ बना के मैं प्रोवाइड करा दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो जो आपका जीके का पार्ट था वो भी बताऊँगा, ठीक है, जीके में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।